गाइस जय शंकर। तो आज का न्यू ब्लॉग मिस्टर HP47 राइडर के साथ। तो आज मेरे घर में फंक्शन है, तो आज का ब्लॉग अपने घर के फंक्शन में तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। अच्छा, तो ये हमारा बेटा कुछ बोलना चाहता है। डैड बोल, क्या बोलो बस। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा आज यो है, हमारी आजी जाकर है। तो माता रानी जी का प्रसाद वगैरह बन रहा है जो हमारी बूजी जी बना रहे हैं आज। तो यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो जो माता रानी जी के फूलों की माला बनाने में लगे हुए हैं। ये है मिस पूजा, ये मेरी मम्मा है। यहाँ पर ये मिस्टर सक्षम कुमार। तो और हमारे साथ है ये अंकी। यहाँ देख सकते हैं हमारी माता जी लगे हुए हैं यहाँ पर रोटियां बनाने, सुबह सुबह सभी गेस्टों को खिलाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह सुबह फूल तैयारी हो चुकी है हमारी। अभी देख सकते हैं ये हमारे साधु जी सुबह के बेले घूम रहे हो। साधु जी क्या हाल चाल है, क्या प्रोग्राम फिर आज का, काम कुम करना कुछ? हेलो हेलो बेस, हाय। ये हमारे सौरभ जोशी, सौरभ जोशी, ये हमारे सौरभ जोशी है। ये एक उत्तराखंड के सौरभ जोशी हमारे, ये हमारे बात सुधार के हैं। ये अरे असम राइफल के, ये तो हमारी ये गौतम जी का सब कुछ, क्योंकि ये असम राइफल में हो चुके हैं तो उनके लिए फंक्शन है। ये हमारे अपने बब्बू भाई जी, और बब्बू भाई जी की हाल चाल नहीं है, कुछ काम वूम करना की नहीं करना? मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर। कहाँ से डिलीट कर दिया आपको? कैमरे से, कैमरे से, कैमरे से बात ठीक है। कैमरे से इनको कट किया जाएगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा शूट नहीं करना है। नहीं करना, नहीं करना है। तो ये हमारे सुबह सुबह साफ सफाई में जुटे हुए कुछ लोग। तो हमारे असम राइफल के नौजवान जो है तीन खड़ते हुए, ये हमारे आगे ठेकेदार साहब। तो ये हमारे रखे हुए हैं बल्टो, इसे हम कहते हैं बल्टो। तो खाना जो है इसमें बनेगा, बल्टो ही में। इसको हम जो कर रहे हैं खड्डा, इसको बोलते हैं तीन। इसको थोड़ा सा गटर मतलब कि तीन खन के खोद के ये बल्टो इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे जलाएंगे हम आग और बनेगा खाना। ये हमारे सक्षम कुमार जी। चुके हैं हमारे मिस कबू जी, ये मेरी छोटी साली है, ये इसकी भी शादी होने वाली है अभी थोड़े दिनों में। तो कबू जी फिर क्या प्रोग्राम है आज? फिर कुछ नहीं, प्रोग्राम पार्टी है। ये हमारा है चिड़ू, चिड़ू। अपनी स्वेटर पूरी गिल्ली कर दी हुई है, इसी से पोछा नहीं लगाएंगे। नई स्वेटर का पोछा बना के ये पोछा लगाने जा रही है। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, कोटी का पोछा बना के ये पोछा लगाने जा रही है। ये देखो, ये देखो, इनके पास कपड़ा है नहीं कुछ भी। ये आ गए अपने भाई साहब, सिर पे इन्होंने रख लिया प्रसाद, शावरी में हमने प्रसाद डाला हुआ है। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। तो ये आ गई हारी हमारी फैमिली, बस थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर से जाएंगे हम बनहंडी देवी के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपना जो आपको बताया था मैंने कि मेरा जो साला है वो असम राइफल में हो गया। तो मम्मी ने
उसके लिए मन्नत मांगी हुई थी, तो वो मन्नत पूरी करने के लिए आज मंदिर में प्रोग्राम रखा हुआ है। आज घर पे हमने ये दो शेलू हैं हमारे, इनकी कुर्बानी देनी है आज हमने। वो सूखे हुए हमने सुखन मांगी हुई थी जिसको बोलते हैं हम, तो बस इनको लेके जा रहे हैं। चलो करवाते हैं आपको दर्शन। आज का ब्लॉग इन सारों को देखो कितना सुंदर, और आज का ब्लॉग उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। आगे देखिए बाय। मैं अब ब्लॉग बन रहा हूं, यहां पे बहुत फंदे। तो ये हमारे आ रहे हैं बब्बू भाई नाले। ये हमारे हैं मशहूर गोलगप्पे के गोल। ब्लॉग शुरू हुआ है, बोलो कुछ। तो अभी हम पहुंच रहे हैं माता। जोर से बोला। हां दे जोर से बोलो यार। देख बोला नहीं जाता इससे, बहुत जोर से बोला। क्या कर रही है यार? चुप कर। बस हो गया ब्लॉग तेरा। प्राणी है हमारे साथ जिनको पता नहीं है कि हमने बोला क्या। तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के दरबार पे। तो थोड़ी यहाँ पे कर रहे हैं सफाई, थोड़ी सी सफाई सफुई करके उसके बाद माता रानी जी के स्नान होंगे, तिलक वगैरह फूलों की माला का हार चढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद थोड़ी देर कीर्तन होगा। तो आप देखते रहना यहाँ पर। तो ये मेरी मम्मी जी माता रानी जी के स्नान और देसी घी से इनको मत की चोपड़ के और तिलक लगा के वहाँ पे रखेंगे। गंगा जल के स्नान भी हो गए हैं दरबार के। तो इसके बाद धूप टीका अगरबत्ती करेंगे हम, उसके बाद थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद माता रानी जी का भोग लगेगा, उसके बाद हम जाएंगे घर। फिर बाकी जो भी प्रोग्राम होएगा हम घर जाके करेंगे। तो माता रानी जी की चुन्नी भी चढ़ गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नान हो रहे हैं अभी। नाच रहंदी है माता मेरी देखने दा सुंदर सोना बनिया मंदिर सोना बनिया।
Yeah.
बर्फबारी करके जो है वो पक गई है इधर। ये है हमारे गांव के छोटे छोटे रोड, हमारे घर छोटे छोटे। ये आ गया अपना घर, ये आ गया अपना होम स्वीट होम। ये हमारा आ गया घर, तो गाड़ी हमारी जाएगी सीधे गेट के अंदर। हम पहुंच गए अपने घर। तैयार, ये आ गया चावल। भाई साहब आप खोलोगे ढकने के, ढक्कन खोल दो। ये आ गया अपना, मतलब इसको हिला के बताओ ना, ये क्या है, ये बताओ आप क्या भाई साहब बताओ। चंबेली दाल भाई है, राजमा भाई, मदरा बोले इसको, मदरा। आगे बताओ, ये आ गया अपना मटर पनीर, और ये दाल, और ये आ गया ये मानी, खट्टा मानी, वो भी कद्दू वाला। बूंदी भी है क्या बीच में? बीच में बूंदी भी है। ये अपने सनी भाई हैं ये। इसमें क्या है? तो ये मिस दीपिका के घर आज फंक्शन हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है अभी। तो मिस दीपिका जी आप क्या कहना चाहते हैं फिर आज? कैसा रहा? बहुत अच्छा था, थोड़ा सा नमक की कमी है। बाकी और कुछ आज के दिन के बारे में? आज के दिन में मैं बहुत थक गई हूँ काम कर करके, कभी इधर कभी उधर, बहुत काम था। और आप थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, खाना खा रही है अपने टाइम पे। चलो ठीक है, और बतिया ये साथ में कौन आपके ये खाना खा रही है? शर्माती क्यों है इतने? ये शर्माती है क्योंकि इधर तो देखती नहीं है ये। देख इधर क्या कहना, क्या कहना चाहती तुम? बोल। कुछ नहीं कहना चाहती। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय, टाटा। हमारे जम्मू कश्मीर की, कश्मीर की सुंदर सुंदर नारियां हो गई थालियां चट तो करे के नठ है भाई, थाली होगी चट तो करेगी नाथ। मासी जी पहुंच चुके हैं, काफी लेट हो गए हैं, ये अपने आए हैं मुकेरियां से। तो मासी जी फिर कैसे आए आप, किस तरह आए और कैसे पे? ये गोल गफ्फे, इनको हमेशा बीच में चोंच लड़ाने की आदत है इनको, वो टुकड़ टुकड़ क्या बोलते हैं उसको, ये इनकी छोटी गोल गफ्फी। ये हमारे पास ही बहुत ही स्मार्ट और मजाकी और सुशील, और जितनी भी तारीफ की जाए मतलब उतनी कम है। ये दो बहनें हैं, ये बड़ी बहन, ये छोटी बहन, ये उनकी बहू, ये इनकी बहू, और ये हमारे मासी जी है अपने तार से है, सबसे बड़ी वाली मासी है, इनसे मिलिए। तो आप बताएंगे ये सॉरी, जो बीच में जो द्वारा एडिट करके मैं बता दूंगा आपको, ये सबसे बड़ी, सबसे, और छोटी, ये छोटी, ये सबसे छोटी। तो ये चार बहने आप देख सकते हैं, चार बहने, तो चार बहनों में से बताओ, खड़ा करो, सबसे शरीफ कौन सा? सबसे शरीफ ये सबसे शरीफ थे तुम्हारे, सबसे बदमाश डोन कौन था? डोन बल्कि ऐसी कोई बात बताओ ना जिसमें मतलब की डोन वाली बात बताओ कि क्या होता था, मतलब की क्या करते थे? ये बहुत शरीफ है, कोई बात नहीं करती
नहीं दादागिरी वाली बात, दादागिरी वाली नहीं, दादागिरी भाई एक बात बता भाई, एक बात सब यार ये बीच में कहाँ से आ गए हमारे पास। शरीफ यारी शरीफ को गाल तो सुनी कर दी, ताई पता चला ना, हम जनता को क्या बताएंगे हम, मम्मी दस कौन थी ज्यादा शरीफ कौन थी उसके बारे दस, शरीफ यारी गाल दस मतलब कि के क्या ना मनी थी के कर दी एक बारी गराई कर। हसना नहीं पहले पूरी बात बता भाई, पहले गल दसो पूरी फीलिंग हसना भागो 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 दोबारा बोल। हेलो गाइस दोबारा बोल। हेलो गाइस वेलकम टू चैनल चैनल द द बोल द द 47 द 47 राइडर क्राफ्ट राइडर राइडर एचपी एचपी ये मेरे मेरे किसका चैनल है ये मेरे फूफा का चैनल है, ये मेरे फूफा का चैनल है। कृपया करके इसमें लाइक शेयर कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ और सबने सब्सक्राइब करना चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्या बोलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ मेरे फूफा का चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, ये बोल द्वारा जोर से बोल, फोन नीचे रखने पहले ऐसे द्वारा बोल रहा हूँ। जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर बोलो लास्ट में। हाँ फिर मिलेंगे हम, चलते चलते हम राही है प्यार के, समझ लिया हम राही है प्यार के।